सामने मौजूद हैं राउंड टेबल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष लखोटिया जी। वो बरेली आए हुए हैं अपने कुछ उद्देश्यों को लेकर संस्था के, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम टेबलर मनीष लखोटिया है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ राउंड टेबल इंडिया। राउंड टेबल इंडिया एक यंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 18 से 40 साल के उम्र के लोग मेंबर बन सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है यंग लोगों को जोड़ना, और इसी जोड़ के तहत हम लोग लास्ट 60 सालों से इंडिया में प्रेजेंट हैं और 136 सिटीज में एज ऑन डेट हम लोग का प्रेजेंस है 21 स्टेटों में। बरेली में दो चैप्टर्स हैं जिसके नेतृत्व इस साल के चेयरमैन निखिल और चेयरमैन शिवांग कर रहे हैं। मेन आइडिया ऑफ राउंड टेबल इंडिया इज सर्विस थ्रू फेलोशिप, जहां पर इस उम्र के लोगों को जोड़ना, और जब अपने संग में मिलते हैं तो देश और समाज के लिए जितने अच्छे कार्य कर सके वो अपने कर सके। क्या काम करती है ये संस्था? ऐसे मूल रूप से सभी टाइप के कम्युनिटी सर्विसेज, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप, लिम डोनेशन कैंप्स, फूड ड्राइव और वेरियस कम्युनिटी सर्विस करते हैं, बट लास्ट 25 सालों में हमारा मेन ध्यान रहा है फ्रीडम थ्रू एडुकेशन के ऊपर। फ्रीडम थ्रू एडुकेशन में हम लेस प्रिविलेज या पिछले वर्ग के बच्चों के लिए क्लासरूम बनाते हैं, और आज लास्ट 25 साल में अराउंड 8000 क्लासरूम ऑल ओवर इंडिया में हमने बनाया है। और ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स जब कोविड चालू हुआ तब से हम लोग ने अपने मेन इवेंट में या मेन प्रमोशन में प्रोजेक्ट हील भी लॉन्च किया, जहां पर हम देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना चाह रहे हैं, जिसकी जरूरत आज अपने इंडिया को भी है। तो ये दो चीजें हमारी मेन मूल उद्देश्य है। अभी बरेली आगमन का क्या उद्देश्य है? बरेली आगमन का उद्देश्य एक बहुत ही बढ़िया इवेंट से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम ड्राइव। तो 11 सितंबर को 2 गाड़ियां 3 मूल उद्देश्यों के संग, एक तो हमारे 75वें सालगिरह जो हम लोग मना रहे हैं इंडिपेंडेंस का, दूसरा कनेक्टिंग ऑफ यूथ, और तीसरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ताकि हम और अच्छा काम कर सके आगे चल में, ये 3 उद्देश्यों के संग 2 गाड़ियां फ्लैग ऑफ की हैं 11 सितंबर को जमशेदपुर। और ये 2 गाड़ियां अगले 95 दिन में 136 सिटीज ऑल ओवर इंडिया कवर करते हुए 16 दिसंबर को अपना जर्नी कंप्लीट करेगी रांची में। आज ये 7वां दिन बरेली पहुंची है, और बड़ी खुशी के संग मैं कह सकता हूं कि बरेली के दोनों टेबल्स और दोनों चैप्टर्स ने इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया है, और फर्दर इसको आगे के शहरों जैसे रुद्रपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी, ये सब आगे में उस गाड़ी आगे निकल चुकी है। एक 75वां सालगिरह ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरा यूथ कनेक्शन, और तीसरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मूल रूप जो कम्युनिटी सर्विस है उसको एक तरीके से बढ़ावा देना। संस्था ने अभी बीच में परसाखेड़ा में एक कमला देवी भोले शंकर विद्यालय है, उसमें 2 रूम का भी वो किया है। तो जी, तो इसमें क्या है कि जैसे जैसे ये कार जहाँ जहाँ पहुँच रही है, हमारे जितने भी चैप्टर्स है वो कुछ ना कुछ अपना एक अच्छा सामाजिक कार्य का अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। इसी के तहत कल हमने 2 क्लासरूम्स का यहाँ पर भूमि पूजन किया है, जिससे अगेन हमारे जो मेन मोटिव जो हमारा है फ्रीडम थ्रू एडुकेशन, उसके तहत हम 2 क्लासरूम गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनका भविष्य और उनका संग संग उनके परिवार वालों का भविष्य भी सही हो सके। बरेली में संस्था से आप 2 लोगों के अलावा और कितने लोग जुड़े हुए हैं? अराउंड ऐसे अगर हमारे रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन से बात करें तो अराउंड 100 लोग जुड़े हुए हैं, 100 से सवा 100 लोग जाने माने उद्योगपति, जाने माने प्रोफेशनल्स बरेली के, लास्ट 28 से 30 साल से जुड़े हुए हैं। करंटली एज ऑन डेट एक्टिव मेंबर्स मेरे ख्याल से अराउंड 40 या 42 होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।